Everyone, what is the average of dual multiple of 11? 71, 71.5, 78 and 69. Okay, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है एवरेज ऑफ एन मल्टीपल ऑफ ए नंबर. यहाँ पे नंबर कितना है, कौन सा नंबर है, 11. दैट मीन 11 प्लस 11 इंटू एन प्लस 1. एन क्या है मेरा, ये होगा 12 मल्टीपल बोला है. दैट मीन एन इज 12. यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइड में, हियर एन इज इक्वल टू 12. ऐसे लिख दो, हियर एन इज इक्वल टू 12. ओके, ये जस्ट अपना इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है. तो 11 इंटू 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना होगा, 11 इंटू 13 प्लस 2. पहले ब्रैकेट हटाते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 13 वन जा 13, 3 रिमेनिंग 1, 13 वन जा 13 और 40, 143 हो जाएगा. 3131, यस 143. तो 143 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 143 को 2 से डिवाइड करो, 27 जा 14, कैंसिल आउट 3, 2 1 जा 2, 1 देन 4 देन 0, 2 5 जा 10. दैट मीन 71.5. आंसर बी इज करेक्ट आंसर. 71.5 आवर आंसर इज. समझ में आया सबको, किसी को डाउट, ये सब का जस्ट फॉर्मूला याद रखो आप. ओके एवरीवन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सब देखो, मेथड देखो, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज कर रहा है, दैट्स द इम्पोर्टेंट. आप क्वेश्चन को मत याद करो, मेन चीजें मेथड देखो. इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कहे यार, ठीक है ना, वो मैटर करता है. ओके, सभी आप सीखेगा, और अगर मेथड याद हो गया ना, तब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकेगा. इफ क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 25 results is 18. Is 18 that of first 12 is 14. That of first 12 is 14 and of last 12 is 17. Find the 13th result. A 76, B 28, C 78 and D is 50. Question ko jaisa samjho, question ko padho. Sir, ye hamara batch ka nahi kya? टीएन और टेकन, टेकन ये सब हम लोग का बैच है, सब बैच मर्ज हो गई है, अभी एक ही बैच है. ओके, हाँ ये सब एक ही बैच है, फॉर बोथ बैच. ओके, चलो क्वेश्चन देखो एंड ट्राई करो. कर पाओगे इसको, एनीवन? ओके, देखो कैसे करेंगे. यहां
यहाँ पे दो चीज ध्यान रखो आप, क्या चीज ध्यान रखना है हम लोग को, क्या बोला है एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, 25 का रिजल्ट का एवरेज कितना है 18 दिया हुआ है, गॉट इट। फर्स्ट 12 का देखो यहाँ पे कितना होगा, अगर हम लोग 1 to 12 ठीक है ना, और लास्ट पे फिर क्या बोला है लास्ट 12, एंड ऑफ लास्ट 12 मतलब बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा, फिर इसके बाद 12 होगा, 14 to कितना 25, ये 12 और यहाँ से 12, अब आपको ना और यहाँ से ये भी 12 है और ये 12, 12 12 24, 24 प्लस 1 25, ये 25 हो गया, तो लिखा दे रहा मैंने। हाँ देखो क्वेश्चन समझा होता है आपका ना, 1 से 25, 1 से 25 तक का एवरेज कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, गॉट इट। अब क्या बोला है यहाँ पे, 1 to 12 का रिजल्ट आपको पता है एवरेज, 1 to 12 रिजल्ट का एवरेज पता है आपको कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, ओ सॉरी 14 दिया हुआ है, समझो आप क्वेश्चन अच्छा से। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, दैट ऑफ फर्स्ट 12 इज 14 एंड ऑफ लास्ट 12 इज 17, गॉट इट, फाइंड द 13th रिजल्ट। तो इन 1 से 25 का बीच में फर्स्ट 12 का एवरेज दिया हुआ है 14, समझो अच्छा से हा? लास्ट 12 का एवरेज कितना दिया आपको 17, और टोटल का एवरेज हमको दिया है 18, तो हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, ये 13 का निकालो, आया क्वेश्चन में सबको समझ में आया आप लोग को क्या बोला है क्वेश्चन। देखो 1 to 25 का एवरेज 18 दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट 12 का दिया हुआ है आपको 14, देन लास्ट 12 का दिया हुआ है आपको 17, व्हाट इट, आपको 13 का निकालो बोल रहा है, ये 13 का रिजल्ट क्या होगा, आया समझ में सबको, यहाँ तक रिप्लाई करो, रिप्लाई में कंजूसी मत करो, देन तब हमको भी करने में इंटरेस्ट होगा, यहाँ तक सबको समझ में आया, ये तो हम आगे नहीं बढ़ पाएगा फिर। ओके अब देखो यहाँ पे अगर हमको 13 का निकालना है, समझो अगर हमको 13 का निकालना है, समझो अच्छा से हमको सिर्फ किसका निकालना है 13 का, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इसका जो दिया हुआ है ये टोटल से माइनस इन दोनों को प्लस कर, मतलब क्या हो गया, मान लो इसको हम ए मान लिया टोटल को, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, समझो अच्छा से यार, यहाँ पे क्या मान लिया ए, इसको बी मान लिया 1 to 12 को और इसको सी मान लिया, ठीक है ना, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ए मतलब क्या है टोटल माइनस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब पूछेगा कैसे क्यों आया है, टोटल से मतलब टोटल कितना है 25, देखो टोटल कितना मेरा 25, उसमें से ये 12 प्लस ये 12 कर दो तो लास्ट में क्या होगा, 1 बचेगा नहीं बचेगा, वो लास्ट वाला कौन सा होगा मेरा 13 होगा, आया समझ में, हमको एक बीच का चाहिए, एक ही चाहिए हमको, टोटल 25 है, फर्स्ट 12 का दिया हुआ है, लास्ट 12 का दिया हुआ है, हमको 25 का एवरेज दिया हुआ है, तो हम क्या करेगा, फर्स्ट 12 का एवरेज ये 12 का एवरेज दोनों को प्लस करके जो टोटल का एवरेज से माइनस करने से आपका निकल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं निकालेगा हम आपको, जैसे जनरल बता रहा इस टाइप क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे निकल रहा, आया समझ में आया तक। अब देखो तो कैसे निकलेगा, हमको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या है, हमको सिर्फ देखो ध्यान रखो ये 13 रिजल्ट पूछा है, एवरेज नहीं पूछा, ध्यान रखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द 13th रिजल्ट, ये एवरेज नहीं पूछा है कि एवरेज ऑफ 13th रिजल्ट निकालो, क्योंकि एक सिर्फ 13 रिजल्ट पूछा है, ठीक है ना, हमको मतलब एवरेज भी नहीं निकालना है, नंबर भी निकालना है। ओके तो देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या है मेरा, सम ऑफ क्वांटिटी बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ है, फॉर्मूला क्या है मेरा, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, आप लोग फॉर्मूला यही ना हम लोग का, अब क्या करेगा देखो, सम ऑफ क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या, और हमको अगर सिर्फ ये चाहिए, हमको ये निकालना है सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटीज इसके तो क्या होगा, सम ऑफ क्वांटिटीज ये यहाँ पे डिवाइड में है ना, ये क्या था डिवाइड है ना, ये डिवाइड में, ये इधर आने से क्या हो जाएगा इनटू, तो क्या मेरा फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं, एवरेज इनटू टोटल
टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज लिख सकता है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये हम लोग क्या हो गया, सम ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू क्या लिखा है, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ओके, अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या बोला है, टोटल मार्क्स ऑफ कितना 25 स्टूडेंट। इस फॉर्मूला के हिसाब से देखो आप, सम ऑफ क्वांटिटीज मतलब टोटल क्वांटिटीज इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट हमको मार्क्स में ले रहा है, टोटल मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट इज इक्वल टू एवरेज कितना दिया हुआ है, हम 18 एवरेज इनटू है ना, एवरेज इनटू 18 इनटू कितना करेगा, यहाँ पे 25 लिख सकता है, बोलो 18 इंटू 25 लिख सकता है, हाँ ना। ओके तो कितना हो जाएगा ये 18 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 18 फाइव 19, 9 18 टू 36, 36 प्लस 9 4, 420 हो गया माइक भी, 420 होगा शायद, देखो इंटू करके देखो तो नहीं, 450 हुआ, गॉट इट। अब क्या करो, ये आप लोगों का 25% निकल गया, ठीक है, अब क्या करो, टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट कितना 12 का निकालना, फर्स्ट 12, ठीक है, टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट 12 इसके टू क्या हो जाएगा, उसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 14 इंटू 12 हो जाएगा, 14 एवरेज है और 12 स्टूडेंट है, फर्स्ट 12 का, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी है, तो 12 रिजल्ट है, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, 14 2 28, रिमेनिंग 2, 14 1 14, 168 होगा, इनटू करके देख लेना, ठीक है। फिर एंड टोटल मार्क्स ऑफ लास्ट 12 निकालो, लास्ट 12 निकालो, ये सब दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, लास्ट 12 निकालो, लास्ट 12 का कितना दिया हुआ है, 17 एवरेज है, दैट मींस 17 इनटू 12 कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84, रिमेनिंग 4, रिमेनिंग 8, 12 1 जा 12 8 20, 204 साइड हो जाएगा, देखो तो मेरा कैलकुलेशन सही है, इनटू सही है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमको ये टोटल मार्क्स मिला, देखो समझो अच्छे से, 25 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स मिल गया 450, और फर्स्ट 12 और लास्ट 12 का मिल गया 168, फर्स्ट 12 का लास्ट 12 का 200, हमको 13 का मार्क्स चाहिए, देखो 13 रिजल्ट मतलब क्या चाहिए हमको, 13 का मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स कैसे मिलेगा, टोटल मार्क्स जो है उसमें से ये 12 और ये 12 24 आदमी का निकाल लो, तो एक का जो बचेगा वो किसका होगा, 13 का होगा, समझ में आया, आया कि नहीं आया, ये टोटल का मार्क्स है, इसमें से 24 आदमी का निकाल लो, टोटल 25 आदमी है, 24 आदमी का निकाल लो, फर्स्ट 12 का और लास्ट 12 का, जो एक बचेगा वो मेरा कौन सा होगा, 13 होगा, सिंपल। तो करके दो, तो कैसे लिखेगा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देयरफॉर 12th और 13th रिजल्ट, 13 रिजल्ट इक्वल टू 450, ये टोटल है, माइनस क्या करो, ये दोनों का प्लस कर दो, 168 प्लस 204, गॉट इट, देन 450 दिखाई दे रहा ना, हाँ माइनस दोनों को प्लस करो कितना होगा, 84, 12 रिमेनिंग 1, 6001 और 6067 हो जाएगा और 213 हो जाएगा, प्लस है ना, ठीक है, 372। अभी 450 से 372 माइनस करो, 10 से 2 जाएगा 8, देन ये 4, 14 से 7 जाएगा 7, देन ये 3, 78, दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया, यस और नो, किसी को नहीं आया तो फिर हम रिपीट करेगा, बट आस्क मी द क्वेश्चन कि आया कि नहीं आया, रिप्लाई करो।
सुबह डेली को नहीं आया है, नहीं अदर रिपीट्स वेरी हार्ड, कुछ हार्ड नहीं है आनो, आप समझो। देखो हम बताएंगे आपको, लिसन, अगर हम सुनो ये पांच आदमी को, सुनो अच्छा सुना, पांच आदमी को हम, फाइव पीपल को कितना, 10 चॉकलेट दिया, अच्छा समझो आप, अरे एवरेज है, सेकंड एवरेज। ओके लिसन बस, अभी देखो अच्छा कंसंट्रेट होकर सुनो, जिसको जिसको नहीं समझ में आया, ये पांच या पांच को छोड़ो, हम एक को ना 10 चॉकलेट दिए, समझ में आ गया क्या बोला है, एक को 10 चॉकलेट दिए, यार एक को क्यों बोलेगा, ऐसे करो हाँ फाइव ए को हम 10 चॉकलेट दिया, समझो समझ में आ गया, इसमें से ना 2A को हम, समझो आप, 2A को हम कितना दिया, 3 चॉकलेट दिया, और थ्री नहीं 2A को और 2A को हम और 4 चॉकलेट दे दिए, समझो अच्छा फिर हम लोग को पता है 5A कैसे होता है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्या होगा ए प्लस ए कितना हो गया, ये 5A हो गया, समझ में आ गया, 5A है कि नहीं, मतलब पांच आदमी, समझो आप, 5A मतलब पांच आदमी, पांच आदमी को हम 10 चॉकलेट दिया, गॉट इट, उसमें से दो आदमी को हम कितना दिया है, 3 चॉकलेट दिया, और दो आदमी को हम कितना दिया है, 4 चॉकलेट दिया, बच गया कितना आदमी, एक आदमी बच गया, एक आदमी को कितना चॉकलेट मिलेगा फिर बताओ जल्दी, 10 चॉकलेट है, दो आदमी को हम 3 चॉकलेट दिया, दो आदमी को और 4 चॉकलेट दिया, एक आदमी को कितना मिलेगा, वो लास्ट वाला को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, कैसे किया, ये दोनों को प्लस किया और किससे माइनस किया, टोटल से माइनस किया कि नहीं किया, ये दोनों को प्लस किया, फिर किससे माइनस कर दिया, टोटल से माइनस कर दिया, 10 माइनस 7 कितना मिलेगा इसको, 3 मिला, ये समझ में आ गया आप लोगों को, एग्जाम्पल। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया, ये क्वेश्चन में आपको एवरेज का फॉर्मेट दिया, ये क्वेश्चन में क्या दिया, एवरेज का फॉर्मेट दिया, हमको किसमें निकालना है, नंबर में निकालना है कि कितना मार्क्स, एवरेज में नहीं निकालना, जब एवरेज में दिया है तो एवरेज को हमको पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर में कैसे कन्वर्ट करेगा वो, बाय दिस फॉर्मूला, यहाँ पे क्या बोला है, 25 आदमी का या 25 रिजल्ट, रिजल्ट मतलब मान के चलो आदमी, मान के चलो 25 आदमी का 18 है एवरेज, पहला 12 आदमी का 14 एवरेज है, लास्ट 12 आदमी का कितना है, 17, तो 12 12 कितना हो गया, 12 12 कितना होगा, 24 हो गया, आदमी कितना है टोटल, 25, 24 का दिया हुआ है, एक का जो बच्चा है उसका ही तो निकालना है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेगा, इसका ये 12 और ये 12, 12 12 इन दोनों को प्लस करो, माइनस कर दो किससे, 25 से, पर वो माइनस जो करेगा वो किसमें निकलेगा, करेगा एवरेज में नहीं, मार्क्स में करना है, तो मार्क्स में कैसे चेंज किया हम लोग, बाय दिस वे, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, एवरेज हमको दिया हुआ है, हमको टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज दिया है, लेकिन कितना मार्क्स है उसको नहीं दिया हुआ है हमको, तो हम लोग को टोटल ये पहले 25 आदमी का निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी टोटल, टोटल कितना, 25 एस्टिमेट का निकाल लो, तो सम ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू फॉर्मूला इज व्हाट, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये कहां से आया है, ये फॉर्मूला से आया है, ये फॉर्मूला कहां से आया है, ये एवरेज का फॉर्मूला है, व्हाट इट, अब यहां पे क्या लिखा है, टोटल मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट, एवरेज कितना दिया मैंने, क्योंकि फॉर्मूला ये है, एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वालिटी क्वांटिटीज, एवरेज इज 18, 25 आदमी का कितना आदमी है, 25, 450 मार्क्स, मतलब क्या हुआ इसका, 25 स्टूडेंट का एवरेज था 18, तो वो एवरेज कहाँ से आया, क्योंकि टोटल मार्क्स जो था 450, टोटल मार्क्स 18 आदमी का, 18 आदमी का 450, फर्स्ट 12 आदमी का टोटल मार्क्स कितना निकाला है हम लोग, 160, लास्ट 12 आदमी का निकला है 200, अभी हमको मार्क्स नहीं मिल गया दोनों का, अब हमको क्या करना है, जो लास्ट बचे उसका मार्क्स निकालना है, वो कौन है, 13 आदमी लिखा है क्वेश्चन में, बस मान के चलो एक आदमी का निकालना है, तो जो टोटल है उसमें से माइनस कर दो ये दोनों को प्लस करके, ये दोनों को प्लस किया तो कितना निकला मेरा, 204, टोटल कितना, और कितना निकला, 372, दोनों को प्लस करके टोटल कितना मेरा, 450, माइनस किया तो कितना निकल गया, 78, आया समझ में,
मालिन शॉर्ट में, शॉर्ट पता है, शॉर्ट जितना ट्रिक सीखेगा वो सब बहुत टफ है। ये ना जो समझो चीज ना, ओरिजिनल चीज ओरिजिनल ही होता है। शॉर्टकट ट्रिक्स जो है ना, वो हर एक क्वेश्चन का ट्रिक्स होता है, और हर क्वेश्चन का ट्रिक को याद रखना बहुत मुश्किल है। लास्ट टाइम हम आप लोग का बैच में नहीं, जब आपको हम ट्रिग्नोमेट्री या एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाएगा, तब देखना हर एक क्वेश्चन का ट्रिक है। और ट्रिक सिंपल नहीं है, फॉर्मूला है। अगर आप हर फॉर्मूला को याद रख पाएगा, देन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ट्रिक बता देगा। बट ये जो मेथड है, ये ओरिजिनल मेथड है, ये हमेशा याद रहेगा आपको। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ये नॉर्मल जो हम लोग का मेथड है, ट्रिक्स का ऊपर मत जाओ। हाँ, शॉर्ट मेथड कैसे करेगा वो हम बाद में बताएगा, जब हम लोग रिविजन करेगा। रिविजन भी क्लास रखा है मैंने बाद में, बट अभी ये सब जो मेन मेथड है उसको कर लो आप। गॉट इट एवरीवन? हमेशा शॉर्टकट मत देखो ये चीज ना। हाँ, इसको कैसे इजी वे में करेगा वो हम बाद में बताएगा रिविजन, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है ना, ये समझ में आया सबको? अभी हम डायरेक्ट आपको ट्रिक्स बताएगा ना, ओरिजिनल मेथड नहीं बताएगा ना, तो फिर ट्रिक्स कोई काम का नहीं है वो। क्योंकि ट्रिक्स क्या है, सिर्फ वो रट्टा मारने वाला है, फॉर्मूला याद है डाल दिया, वो फिर लाइफ टाइम के लिए नहीं होगा। मतलब आपको मैथ्स नहीं सीख पाएगा। आप क्लास, आप ये ज्वाइन किया है सिर्फ पास के लिए, होने के लिए ना, सीखने के लिए। मैथ्स सीखने के लिए पहले ओरिजिनल मेथड सीखो, फिर हम लोग ट्रिक्स का बात करेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन समझ में आया आपको? ओके, ठीक बताऊंगा मैं जो जो काम का है, जब जरूरत का समय होगा तो मैं बताऊंगा आपको। ट्रिक्स सिंगल टाइप आएगा तो मैं पक्का बताऊंगा ट्रिक्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्या? यह भी तो क्वेश्चन किया था ना, जिस टाइप का क्वेश्चन आज कर ले जाएगा। एक ये देख लो, ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। द एवरेज ऑफ, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, द एवरेज एज ऑफ 40 चिल्ड्रन, द एवरेज एज ऑफ 40 चिल्ड्रन इन ए क्लास इज 12 ईयर। ओके, इफ द टीचर, टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, द एवरेज इज, इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा अगर एग्जाम दिया होगा पहले तो। इस टाइप का क्वेश्चन आज पूछता है, बिकम्स 13 ईयर, फाइंड द टीचर्स एज। ऑप्शन ए इज 50 ईयर, बी इज 52 ईयर, एंड सी इज 53 ईयर, एंड डी इज 54 ईयर। चलो इसको ट्राई करके देखो एक बार। ट्राई करो सब। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन क्या समझो पहले। ओके, हो पाएगा?
एज ऑफ 40 चिल्ड्रन इन ए क्लास इज 12 ईयर इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम 13 ईयर फाइंड द टीचर्स एज. एनीवन? किसने भेजा? सुनील देवरी, 53 इयर्स. और कोई? सी फिफ्टी थ्री इयर्स. और कोई? सी इयर्स, 54 इयर्स. लिसन, होगा 53 इयर्स इज द करेक्ट आंसर. ओके, अब देखो कैसे आया है, सबको समझो. आया कैसे? देखो यहाँ पे क्या, देखो पहले देखो क्या दिया हुआ है. एवरेज एज ऑफ 40 चिल्ड्रन इन ए क्लास इज 12 ईयर डिग्री. 40 चिल्ड्रन का एवरेज इज कितना है? 12 ईयर डिग्री. इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम 13 ईयर. ठीक है ना, अगर टीचर को इंक्लूड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 13 ईयर हो जाएगा. फाइंड द टीचर्स एज. तो हम लोग क्या करो, हम लोग को इसमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेगा, लेट द टीचर्स एज टीचर. ये सब आप लोग ना जब प्रैक्टिस करेगा ना, तो बाद में मल्टीपल चॉइस में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं. लेकिन पहले मेथड को सीख लो कि इस तरह करता है आप लोग. ठीक है, लेट द टीचर्स एज बी, मान लीजिए हम लोग एक्स ईयर ले लिया उसमें. ठीक है, अभी हम लोग को क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एज, सम ऑफ एज ऑफ 40 चिल्ड्रन, सम ऑफ एज ऑफ 40 चिल्ड्रन. कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज, अभी जो फॉर्मूला लिखाया था, इनटू टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख सकते हैं ना. ये कहां से आ गया? ये एवरेज का फॉर्मूला था, हमको सम ऑफ एज ऑफ 40 चिल्ड्रन पहले निकालना. ठीक है, तो सम ऑफ एज ऑफ 40 चिल्ड्रन कितना दिया हुआ है? एवरेज कितना दिया हुआ है? 12 इनटू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है? 40. 12 इनटू 40 होगा, देन कितना हो जाएगा ये? 12 0 0, 12 4 0 4. हो गया, यहां तक समझ में आ गया कि 40 चिल्ड्रन का एज कितना है? 480 है. जब सबको प्लस करेगा, 40 चिल्ड्रन सबको प्लस किया तो 480 निकलेगा. गॉट इट? अब क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां तक सबको समझ में आया? कहां से आया, डाउट तो नहीं ना? ये हम लोग का फॉर्मूला था. क्या फॉर्मूला था मेरा? एवरेज इज इक्वल टू सम बाय टोटल. ठीक है, तो सम को हमको चाहिए, तो हमको ये डिवाइड में ये तरह से इनटू हो गया. व्हाट इफ इस सबसे किया. हाँ, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड द एवरेज इज बिकम 13 इयर्स फाइंड द टीचर्स एज. टीचर का एज पूछा, एज पूछा तुमको. तो अगर हम अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ, पहले 40 चिल्ड्रन था ना, अब एक और इंक्लूड हो गया, इंक्लूड हो गया ना टीचर, तो कितना हो जाएगा? अभी 41 हो जाएगा. पहले 40 था सिर्फ, अभी एक इंक्लूड हो गया तो कितना होगा? 41 इक्वल टू, समझ में आया? यार ऐसे कर लो, इसको ऐसे मत करो, तुम्हारा सम ऑफ चिल्ड, देखो सम ऑफ एज ऑफ 40 चिल्ड्रन प्लस एक्स, एक्स मतलब टीचर इंक्लूड, ऐसे लिख सकता है, सम ऑफ एज ऑफ 40 चिल्ड्रन ये प्लस एक्स लिख दिया, इक्वल टू एवरेज कितना हो गया था? द एवरेज बिकेम 13 ईयर. एवरेज कितना हो गया? 13 इनटू, अभी टोटल नंबर हो कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 40, अब कितना हो जाएगा? 14. अब इसमें से निकाल लो, आप कैसे निकालेगा, सम ऑफ एज कितना दिया हुआ है? 480 प्लस एक्स हो जाएगा. सम ऑफ एज ऑफ 40 चिल्ड्रेन कितना निकला हम लोग? 480. 480 प्लस एक्स इक्वल टू 13 इनटू कितना हो जाएगा? 41. कितना हुआ 13 इनटू 41? 13 वन जा 13, 3 रिमेनिंग वन, 13 फोर जा 52, 53
533 होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 533 ये प्लस है, यहाँ से क्या होगा माइनस 483, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 होगा, 13 से ये जाएगा 553। किसी को डाउट, किसी को डाउट है तो आस्क मी क्वेश्चन, पूछो। टीचर एक है जो, हाँ टीचर एक ही है, तो यहाँ पे क्या किया गया, टीचर को इंक्लूड कर दिया, पहले 40 चिल्ड्रन था इसमें टीचर भी इंक्लूड हो गया, ठीक है ना, तब एवरेज भी था, पहले एवरेज 12 था, जब टीचर इंक्लूड हुआ है तब एवरेज 13 हो गया, और टोटल कितना आदमी हो जाएगा टीचर इंक्लूड होने से, पहले 40 था और 41 हो जाएगा। अब इसमें एक्स का वैल्यू निकाल लो, एवरीवन क्लियर, आगे बढ़े, किसी को मतलब पूछना नहीं है ना, ओके। अब सर फिर से समझाना, वही जब बोलता हूँ रिप्लाई करूँ तो करना डायरेक्ट आप लोग। देखो यहाँ पे क्या है, अभी हम क्वेश्चन बता दिया, देखो 40 स्टूडेंट का या 40 चिल्ड्रन का एज और 14 चिल्ड्रन का एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, 12 ईयर दिया हुआ है, समझो वही समझा रहा हूं। देखो 40 चिल्ड्रन का एवरेज 12 दिया हुआ है, समझ में आ गया, फिर क्या बोला है, अगर उसमें टीचर्स का एज इंक्लूड हो जाएगा, समझ में आ गया, तो एवरेज कितना बन जाएगा, 13 ईयर बन जाएगा, तो आपको पूछा है टीचर का एज कितना होगा, समझ में आया क्वेश्चन ये है। तो हम लोग क्या करेगा, टीचर का एज को मान के चलो एक्स ले लूंगा, अभी हम लोग को पता नहीं कितना एज है उसका, हम लोग क्या किया उसको एक्स दे दिया, ठीक है। अभी हम लोग का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इसको ना आप इसको नहीं समझोगे, देखो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ हम लोग को पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जो भी है, सम ऑफ एज लिख दो यहाँ पे, सम ऑफ एज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एज, ये होता है फॉर्मूला हमारा, सम ऑफ एज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये एवरेज का फॉर्मूला। अब अगर हमको ये चाहिए, सम ऑफ एज चाहिए, तो इसको हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, कहाँ हटाएगा इसको, इधर शिफ्ट करेगा, इधर ये देखिएगा किस चीज में, डिवाइड में, इधर से क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, दैट मीन हमारा सम ऑफ एज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ एज। तो ये क्या है हमारा, सम ऑफ एज ऑफ 40 चिल्ड्रेन इंटू इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। अब देखो इसमें सम ऑफ एज ऑफ 40 चिल्ड्रेन एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एवरेज कितना दिया हुआ है, 12 दे दिया, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना मेरा 40, तो 40 चिल्ड्रन का टोटल इज कितना होगा सम करने से, 480, ये एवरेज नहीं है, ये 480, ये क्या है, सम ऑफ 40 चिल्ड्रन, एज ऑफ 40 चिल्ड्रन, सॉरी एज ऑफ 40 चिल्ड्रन, ठीक है 480 हो गया, ये हमारा निकल गया 40 स्टूडेंट का, ठीक है ना एज। अब हम लोग क्या किया है, जब वो एवरेज में ना टीचर्स का इंक्लूड कर दिया, दैट मीन सम ऑफ एज ऑफ 40 चिल्ड्रन हम लोग निकाल लिया 480, इसमें एक्स को इंक्लूड किया, एक्स को नहीं टीचर है इंक्लूड कर दिया, इसका टू जब एक्स को इंक्लूड किया है तब एवरेज जो था पहले कितना था 12, बाद में कितना हो गया 13, अभी यहां पे 13 लिखेगा 12 नहीं लिखेगा, 213 लिखा है क्योंकि टीचर को इंक्लूड किया है, 13 हो गया। अब यहां पे पहले 40 था, हम 41 क्यों लिखा है, क्योंकि पहले 40 स्टूडेंट का था, चिल्ड्रन का था, बाद में एक और जुड़ गया ना, तो कितना आदमी हो गया, 41 हो गया, तो 13 इंटू 41, ठीक है। अब इसमें सम ऑफ एज ऑफ 40 चिल्ड्रन हम लोग अभी यहाँ पे निकाला है, कितना निकाला है 480, तो इसका जगह क्या लिख सकते हैं 480 प्लस एक्स इक्वल टू, ये दोनों इंटू कर दो, इंटू करने से 533। अब यहाँ पे हमको एक्स का वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक्स का एज चाहिए, एक्स कौन टीचर है उसका एज चाहिए, तो हमको ये 480 हटाना पड़ेगा, ये 480 हटाने का मतलब क्या, हमको शिफ्ट कर दो उधर, इधर प्लस उधर जाने से माइनस, 533 माइनस 480 कितना आ गया, 53 ईयर, आया समझ में। एक बार और रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वाला सुन के समझ लेना आप, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन दोगे,
मीन्स ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर। हाँ चलो इसको करो, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। द एवरेज, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल लॉजिक लगाओ। टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड एंड वेडनेसडे वाज 40 डिग्री, वाज 40 डिग्री सेल्सियस एंड दैट फॉर ट्यूजडे। अरे ट्यूजडे तो पहले था, मतलब एंड दैट फॉर ट्यूजडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज थर्सडे वाज 41 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस। ओके 41 डिग्री या 41 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे इज 42 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे। ऑप्शन ए इज 36 डिग्री सेल्सियस, डी इज 38 डिग्री सेल्सियस, सी इज 39 डिग्री सेल्सियस एंड डी इज 41 डिग्री। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ कॉपी में। ओपन आज के क्वेश्चन को, क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बाद में रिकॉर्डिंग से जरूर देखो। आप ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन सब आता है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चन पढ़ के देखो, एक बार ना समझ में नहीं आएगा, दो तीन बार पढ़ो फिर बताओ मुझे आंसर क्या होगा। सी और कोई, सुनील आपने करके देखा है? अच्छा नो सर, लॉजिक गुड। देखो यहां पे क्या बोला है, द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 40 डिग्री सेल्सियस। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस एंड दैट फॉर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, पहले 3 दिन का दिया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का 40 डिग्री सेल्सियस, बाद में ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का 41 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे, अब क्या बोल रहा है, टेम्परेचर अगर थर्सडे का सिर्फ 42 सेल्सियस है, फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे, तो मंडे का टेम्परेचर कितना होगा बोल के देखो। एवरेज दिया हुआ है देखो, 3 दिन का कैसे करेगा। बोल के देखो, इजी है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा गलती यहाँ पे सही लिखा है, लेकिन आप इतना बड़ा स्माइली भेज रहा, गलती हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। और कुछ
चलो एक क्वेश्चन होगा, चल पाएगा? 39 39 सही है, बट कैसे? लॉजिक तो है लेकिन कैसे निकाला? सबको समझ में आया? ना मैं कर दूं, बोलो जल्दी से, टाइम जा रहा। सबका गेस 39 है। टीएन आपका गेस कितना? तो देखो कैसे करेंगे एवरीवन, अभी सब लोग गेस किया है ना, देख लो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है? एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाज 40 डिग्री सेल्सियस, गॉट इट? तो अगर एवरेज आपका ठीक है ना, फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ कुछ भी लिख लो, सम ऑफ क्वांटिटीज लिख लो, ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज या क्वांटिटी मत लिखो, क्या लिखेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखो, सबसे बेस्ट क्या दिया हुआ है, दैट इज ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये बेस्ट रहेगा, ये हम लोग का फॉर्मूला ठीक है ना। अभी हमको एवरेज दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, एक दो तीन, तीन दिया हुआ, तीन का ऑब्जर्वेशन दिया है, तीन डे का एवरेज मेरा कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे पहले निकाला था वैसे निकाला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन राइट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा ठीक है। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या क्या है? मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये तीनों का सम करना है ना, सम आ गया, सम मतलब तीनों का सम इज इक्वल टू एवरेज कितना मेरा 40 इनटू टोटल नंबर ऑफ कितना है ये, तीन तीन दिन, 40 इनटू 3 कितना हो जाएगा? 120। आया समझ में? नेक्स्ट कर लो सेम ऐसे ही, एंड दैट फॉर ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, इसको आप इक्वेशन वन ले लो ठीक है। फिर क्या करो, एंड इसको फॉर्मूला नहीं लिख रहा हाँ, डायरेक्ट सेकेंड का लिख रहा, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे वाज 41 डिग्री सेल्सियस, एंड ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस क्या बोला है थर्सडे, टी एच कर दो, टी फॉर ट्यूसडे एंड टी एच फॉर थर्सडे इक्वल टू कितना, ये भी एवरेज कितने हैं? 41 डिग्री सेल्सियस, 41 इंटू 3 क्योंकि ये भी 3 दिन है, इसका टू कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इसको इक्वेशन टू कर दो। आ गया समझ में? कई क्वेश्चन बता सकते हैं, नीचे जगह नहीं है ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोग लिख लिया होगा। अब देखो ओहो, क्वेश्चन में एक चीज और था ना, ओहो चलो हम क्वेश्चन बाद में देखेंगे। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेशन वन ये बन गया मेरा, इक्वेशन टू ये मेरा, क्या करो? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, अभी वन को ना टू से करो, क्यों वन को टू से किया? क्योंकि टू का ना मेरा ज्यादा है ठीक है, तो हम इसको माइनस करेंगे इससे, पहले क्या इक्वेशन वन को टू से माइनस करना है ना, दैट मीन पहले टू को लिख दो, टू मेरा क्या है? ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे माइनस मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे, ऐसे लिख सकते हैं ये, इससे इसको माइनस करो, नंबर को नंबर से माइनस करो, इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वेशन टू का ये कितना इक्वल टू पर 123 माइनस 120, मतलब इसको क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड साइड बोलता है, इसको राइट हैंड साइड बोलता है, लेफ्ट हैंड साइड को माइनस होगा, राइट हैंड साइड होगा, ये तो जानता होगा आप लोग ओके। अब क्या करेगा, देखो यहां से माइनस को होते, ये ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए ब्रैकेट देना पड़ता है, ब्रैकेट जो हटेगा तो ये सब का साइन क्या होगा मेरा, चेंज हो जाएगा, ये तो पता होगा सबको। यहाँ पे क्या होगा, ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे माइनस मंडे माइनस ट्यूजडे माइनस वेडनेसडे,
ये प्लस था एन, अभी माइनस हो गया, ये भी प्लस ट्यूजडे था माइनस ट्यूजडे हो गया, ये प्लस वेडनेसडे था माइनस वेडनेसडे हो गया, इसका भी 123 से 120 माइनस करो कितना होगा 3। समझ में आया यहां तक ना? अब देखो -3 माइनस प्लस 3 कट गया, ये दोनों भी कट गया, अब मेरा क्या बचा है, थर्सडे माइनस मंडे इक्वल टू 3 बच गया। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, और उसने एक चीज और दिया था, इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे इज 42 डिग्री सेल्सियस फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे, कितना थर्सडे का 42 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे थर्सडे का मेरा कितना दे दिया 42 डिग्री सेल्सियस दे दिया, माइनस मंडे इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज इक्वल टू 42 डिग्री सेल्सियस, हमको मंडे का चाहिए ना, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेगा माइनस, इधर माइनस एम होगा, क्यों होगा, क्योंकि 42 प्लस है, ये इधर जाने से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस एम बचेगा, ये सही, हमको एम चाहिए, लेकिन जब हम 42 को भेज रहे इधर तो मेरा माइनस एम बच रहा है, तो माइनस एम इसकल टू यहाँ पे क्या होगा 3 तो रहेगा ही, प्लस 42 इधर आया तो क्या हो गया -42। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, माइनस एम इक्वल टू 3 माइनस 42, देखो 3 माइनस 42 छोटा से बड़ा माइनस कर रहा है तो क्या हो जाएगा -39, जब छोटा से बड़ा माइनस करता है तो माइनस साइन लगता है, अब दोनों साइड माइनस है, कट जाएगा कट जाएगा, मंडे का टेम्परेचर कितना होगा 39 डिग्री सेल्सियस। सबको समझ में आया? एवरीवन सबको आ गया होगा, होप सो। वेरी गुड, और करना लॉजिक क्वेश्चन। बोलो और क्वेश्चन लिखाओ, मैं लॉजिकल, लॉजिकल तो इंटरेस्टिंग है, करने में इंटरेस्ट लगता है। ओके क्योंकि एग्जाम में लॉजिकल क्वेश्चन ही आता है, सिंपल क्वेश्चन ही देगा तो। देखो अगर क्वेश्चन है द एवरेज कॉस्ट ऑफ 12 फ्रूट्स इसको खुद करवा इज रुपीज 26, इफ 1 फ्रूट, इफ 1 फ्रूट रॉट्स, द एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस टू ₹28, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फ्रूट दैट गॉट स्पॉइल्ड, ऑप्शन इज ₹8, बी ऑप्शन इज ₹4, सी ऑप्शन इज ₹6 एंड डी ऑप्शन इज ₹2। चलो ये क्वेश्चन भी इजी है, ट्राई करके देखते, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, एवरेज कॉस्ट दे दिया 12 फ्रूट का ₹26, अगर एक फ्रूट उसमें से सड़ गया देन द एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस टू ₹28,
एवरेज क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्रूट दैट गॉट स्पॉइल्ड, मतलब 28 माइनस 26 कर दिया तो 2 हो गया, राइट सुनील? ऐसे क्या है क्या? हाँ, रॉन्ग रॉन्ग आंसर, और ज्यादा लॉजिक भी ठीक नहीं है, तो करके देख लो। एग्जाम में से तुक्का मार के नहीं होता है, करके देखो आप। एवरीवन ट्राई करके देखो, 2 इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, चलो इसको खुद ट्राई करो आप, आंसर हमको बताओ। नहीं सके तो लास्ट में करेंगे हम, इजी है। हाँ और सैमुअल, वेरी गुड। और कोई? कामो, बी इज करेक्ट आंसर निकला है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अदर्स, ₹4, यस। ओपन पीएम ताकेन बोको, आप आनो, आप लोग नावम। सबको समझ में आया ना, मैं करूं बताओ, समझाऊं? पर आप लोग कर लोगे। 42 आ रहा है, देखो सिंपल है ये, ज्यादा नहीं है इसमें ना। मैं चीज से बोलता हूँ ना, मैं एग्जाम में भी ना क्वेश्चन को 2 3 बार पढ़ो। हाँ, आप लोग मैक्सिमम मैक्सिमम गलती हम लोग का कहाँ होता है पता है? जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन कुछ और पूछता है, टिक कुछ और कर देता है, बाद में घर आके पता चलता है सिल्ली मिस्टेक। ये सिल्ली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हाँ देखो यहाँ पे क्या पूछा है हमको, पहले देखो क्या दिया हुआ है। एवरेज दिया हुआ है 12 फ्रूट का 26 रुपीज, उसमें से एक फ्रूट मेरा सड़ गया तो एवरेज इंक्रीजेस होगा 28। दैट मीन 12 फ्रूट का जब था, जब 12 फ्रूट था तब एवरेज 26 था। एक फ्रूट सड़ गया, हट गया, कितना फ्रूट बचा मेरे पास? पहले 12 था, अभी 11 बच गया, तो 11 फ्रूट का एवरेज कितना हो गया? 28। समझ में आया यहाँ तक? एवरेज 12 फ्रूट का 26 दिया हुआ है, एक फ्रूट सड़ गया, हटा दिया, फेंक दिया हम उसको, तो मेरे पास कितना है बच गया? अभी 11 ही फ्रूट बचा ना, उसके एवरेज कितना है? 28। गॉट इट? फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फ्रूट दैट गेट स्पॉइल्ड, तो आपका 12 फ्रूट का एवरेज दे दिया 26 और 11 फ्रूट का एवरेज कितना है? 28। अब जब हमको टोटल नंबर दिया हुआ है और एवरेज दिया हुआ है, तो कितना पैसा में कितना पैसा होता है? सम ऑफ 12 फ्रूट कितना होगा, उसको निकालो फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ 12 फ्रूट्स का 26 इंटू 12 हो जाएगा।
में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 12 फुट का तो नंबर ऑफ फ्रूट कितना है? 12 है, एवरेज कितना है? 26। तो सम ऑफ फ्रूट कितना होगा? एवरेज इनटू जैसे किया था टोटल नंबर, तो ये कितना हो जाएगा? 12 6 72, रिमेनिंग 7। 12 2 24, 24 प्लस 7 31, 312 रुपीज। और एक अब उसमें से एक सर गया फेंक दिया, तो 11 फुट का मेरा एवरेज है 28, तो दैट मीन एवरेज इनटू टोटल नंबर, तो हमारा निकल जाएगा सम, कितना होगा? 11 8 88, रिमेनिंग 8। 11 2 22, 22 प्लस 8 30, 300। आया समझ में? ये सही है? मेरा कैलकुलेशन में गलती है? कैलकुलेशन गलती तो नहीं है? देखो तो 308 एंड 312। हाँ सही है। अब देखो ये हो गया 12 फुट का कोर्स, ये हो गया 11 फुट का कोर्स, 11 फुट का कोर्स 308 हो गया, 12 का कोर्स 312 हो गया। बचा क्या? एक बीच में बचा कि नहीं बचा? माइनस कर दो ना, कितना हो जाएगा? 4। 12 फुट का ये था, 11 फुट का जो बचा उसका इतना हो गया कोर्स, 1 फुट जो फेंका उसका कितना हो गया था? कितना होगा? 4 रुपीज। समझ में आया? 3। ये शॉर्टकट मेथड किया मैंने, हाँ लंबा चौड़ा लिख के नहीं किया। सबको समझ में आया ना? किसी को डाउट है अभी भी? जल्दी रिप्लाई करो तो आगे बढ़े हम। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और मैं कराऊं। गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन देखने दो। हाँ ये कर लो, ये भी ठीक है। आ क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 27 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 22 ईयर। इफ द एज ऑफ द टीचर is also added to their ages, then the average increases by 1। Find the age of the teacher। तो इस टाइप का कराया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, करके निकाल के देखो तो एक तो कितना निकलता है आपका। सेम मेथड है ना जो पहले कराया था, इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। ऑप्शन इज 42 ईयर, बी ऑप्शन इज 48 ईयर, सी इज 50 ईयर एंड डी इज 52 ईयर। चलो करके देखो।
50 सी 50 सब का निकला। ऑप्शन सी 50 ईयर्स। चलो इसको आप लोग कर लोगे ठीक है। अच्छा आज ग्रुप में शायद मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आज साथ आपको, तो ट्राई करना है एवरेज। आज एवरेज खत्म हो गया। ओके दिस इज लास्ट क्वेश्चन ना, इसी इतना ही नजर आता है। ओके चलो एक क्वेश्चन और देखो नहीं तो फटाफट। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करेगा? फाइंड द एवरेज ऑफ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब एंड 8 क्यूब। चलो इसको बताओ तो ऐसा क्वेश्चन आते कभी कभी। 162 172 144 154 क्या होगा आंसर इसका? लगेगा इसको लास्ट वाला। फॉर्मूला लिखाया था पहले भूल गया। देखो इसका देखो फटाफट, हम लोग का फॉर्मूला पता है एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसके अंदर क्या फॉर्मूला था? एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सिंपल एन एन प्लस वन ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने। हाँ देख लेना फॉर्मूला में, एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे एन कितना है, कितना नंबर है? 1 2 3 4 8 नंबर है। तो एन इज 8, 8 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है क्या होगा? 8 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8 प्लस 1 9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 8 × 9 = 81 डिवाइडेड बाई 4 होगा। दिखाई नहीं दे रहा? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 × 81 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 81 2, 81 × 2 कितना होगा? 2 1 = 2, 2 8 = 162। आवर आंसर इज 162। ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? ओके सो आज एवरेज खत्म। कल देखता हूँ कल कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं। ओके एवरीवन सबको समझ में तो आया है ना? एनी किसी को डाउट? पढ़ाया समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर इतना टाइम वेस्ट करना नहीं ठीक नहीं। ओके गुड नाइट एवरीवन।